नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मिड डे मील योजना को लेकर। बिहार के सहकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को अब स्कूलबंदी के दौरान भी मध्याह्न भोजन का लाभ मिलेगा। पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक इसके लिए मध्याह्न भोजन के अनाज और खाने पकाने के परिवर्तन मूल्य के साथ लाभ सरकार जो है जल्द देने वाली है। अनाज विद्यालयों के वितरित किया जाएगा, जबकि परिवर्तन मूल्य की राशि छात्र छात्राओं के खाते में DDB के माध्यम से भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत आदेश जो है वो जारी कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी और फरवरी यानी कि 15 जनवरी तक के लिए कुल 34 कार्य दिवस के लिए अनाज और खाना पकाने की लागत परिवर्तन मूल्य की राशि राज्य के करीब 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करीब 1.5 करोड़ बच्चों को दे दिया जाएगा। खाद्यान्न और परिवर्तन मूल्य की राशि तय मानक के अनुसार सभी बच्चों को दी जाएगी। पहली से पांचवीं तक के बच्चों के MDM के लिए 100 ग्राम अनाज जबकि 4.97 रुपये खाना पकाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से 34 दिन के मध्याह्न भोजन के एवज में प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हर बच्चे को 3.4 किलो अनाज दिया जाएगा। वहीं DTP के माध्यम से इनके बैंक खाते में परिवर्तन मूल्य में 169 रुपये की राशि जो है वो भेजी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि खाद्यान्न वितरण के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर अभिभावक को अनाज वितरण की पूर्ण सूचना मिल सके। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा खाद्यान्न वितरण पंजे के अनुसार भोजन की योजना का मासिक प्रपत्र का भरकर सुनिश्चित करने तथा प्रखंड साधन से भी MIS में इसकी प्रविष्टि करेंगे। बकौल अपर मुख्य सचिव कहा कि कक्षा 6 से 8 के हर बच्चे के लिए 150 ग्राम रोज MDM का अनाज एवं 7.45 रुपये का खाना पकाने का निर्धारित किया गया है। 34 दिनों के इस कार्य दिवस में भोजन के एवज में मध्य विद्यालय के प्रत्येक बच्चों के अभिभावकों को 5.1 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके खाते में 253 रुपये भी भेजे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने सभी DEO से कहा है कि सहकारी सहायक प्राप्त विद्यालयों के लिए कक्षावार तिथि निर्धारित कर खाद्यान्न वितरण करें। रोस्टर के अनुसार नामांकित बच्चों के अभिभावक को विद्यालय में बुलाकर खाद्यान्न का वितरण करें। यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार से वितरण में बच्चों ने शामिल यानी कि गलत बच्चे जो है वो शामिल न हो गए हों। अभिभावक खाद्यान्न लेकर जाने के लिए अपने साथ थैला भी जरूर लेकर आए। एक तरह से कहें अब स्कूल खुलने की बात जो जब सामने आई है, 9वीं से ऊपर तक के बच्चों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। उसके नीचे के बच्चों को 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों में बुलाए जाने की बात कही गई है। लेकिन अब जो है मध्याह्न भोजन को लेकर जो है एक बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक योजना रही है मिड डे मील की योजना, जिसमें कि बच्चों के स्कूल में आने का रेशियो जो है वो बढ़ा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूरा जब स्कूल बंद हो गया, उसके बाद से अब जो है सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को जो है एक बार फिर से खाद्यान्न भोजन यानी कि उनका जो मिड डे मील के तहत जो उन्हें भोजन मिलता था उसके लिए जो है एक राशि के साथ साथ अनाज देने की बात जो है अब राज्य सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। अब जो है ये भी कहा जा रहा है प्रमुख सचिव के द्वारा कि जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोगों के बीच में ये बात सामने आ जाए कि बच्चों को जो है अनाज मिलने लगेगा और उनके खाते में भी जो है राशि आएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।